नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो माय सोल फैमिली। आई होप सब अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर की एनर्जी जो है करंट एनर्जी उसको चेकआउट करने की कोशिश करेंगे और उनके मन की बातें जानेंगे क्या चल रहा है इस वक्त आपके लिए उनके मन में। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, क्या चल रहा है एंजल्स हमें बताइए, उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। आई गेस ओ माय गॉड, ओके ओके ओके, थैंक यू। बहुत कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं लेकिन जिससे आप अनजान हैं। थैंक यू। लेकिन आपके पार्टनर बहुत कुछ छुपा रहे हैं, हमें क्लैरिफिकेशंस ऑलरेडी मिलनी शुरू हो गई है। पहला कार्ड आ गया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया है फिर से फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर से सिक्स ऑफ पेंटिकल, थ्री फाइव सिक्स। यहाँ पे आ गया है सिक्स ऑफ कप्स। फिर हमारे पास आ गया है सेवन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है टू ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, कार्ड्स को थोड़ा सा ऊपर करके फिर आपको मैं रीडिंग करती हूँ। ओके, वी आर डन। करंट फीलिंग्स देख रहे थे आपके पार्टनर की। ओके, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है जो मौजूद है, जो आपके मिलन को, जो आपके सेपरेशन को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मिलन को रोक रहे हैं, सेपरेशन को बढ़ा रहे हैं। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि बिल्कुल किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल के केसेस में। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे पेंटिकल्स एंड देन सोर्ड्स, इससे पता लग रहा है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो बंद हो गई है, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए भी हो सकता है कि दोनों के बीच में मैं देख रही हूँ फिजिकल डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बस दोनों बहुत ज़्यादा पास पास है, एक दूसरे को रोज़ देखते हैं और बात नहीं होती, नहीं ऐसा नहीं है। लग रहा है कि आप बहुत दोनों जो हैं डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, या हो सकता है सेम स्टेट में रहते हो लेकिन दूर दूर रहते हैं। हो सकता है वो फॉरेन शिफ्ट हो गए हों, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो टाइमिंग का है ना, टाइमिंग का होता है कि वहाँ दिन हो रही है, टाइमिंग अहेड होती है या फिर बैक होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहा है, तो बात भी नहीं हो पा रही है। पहले भी जो है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा छिड़ गई थी बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गैप बढ़ गया, चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाई, बहुत ज़्यादा पाइल होती गई और चीज़ें पोस्टपोन्ड होती रही, जिससे जमा हो के ये एक बड़ी चीज़ बन गई, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रो हो गई। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन जो हैं पहले तो ठीक थे, लेकिन जब आपसे फिजिकल सेपरेशन हुआ है, कुछ जो है दूरियाँ बढ़ी हैं, तो ये किसी नए इंसान से मिले हैं या फिर इनका कोई हाल फिलहाल में फ्रेंड बना है या बनी है, जो भी हो सकता है। ये जो इंसान है इसका बहुत बड़ा हाथ है आप दोनों को सेपरेट कराने में, या फिर आप दोनों की अभी जो बात नहीं हो रही है उसमें। ये पर्सन जो है ना, ये दिखाते ऐसे हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट करके ऐसे बताते हैं, ये दिखाते ऐसे हैं कि मुझे ना रिलेशनशिप्स में या फिर लवर्स वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये खुद इनका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, और दूसरों को सही रास्ता दिखाने के बजाय ये वो वाला रास्ता दिखाते हैं अपनी खुंदस निकालने के लिए। हो सकता है कि इनको किसी ने छोड़ दिया हो, या इन्होंने किसी को कुछ छोड़ दिया हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी हार्ट ब्रेक इनका हो सकता है पास्ट में। तो ये क्या करते हैं, वही नेगेटिविटी दूसरों को फैलाने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत बार ऐसा कर भी चुके हैं, जिनकी वजह से सिर्फ आपका ही नहीं बहुत लोगों का सेपरेशन हुआ है। तो इन सारी चीज़ों में इनका जो इन्वॉल्वमेंट मुझे साफ दिखाई दे रहा है, ये पर्सन जो है इनके अभी भी इर्द गिर्द रहते हैं, हो सकता है रूममेट हो सकता है घर पर ही कोई ऐसे पर्सन हो, या फिर वर्क प्लेस में कोई हो, जिसकी वजह से आप दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ है। इस पर्सन ने, जो आपकी पर्सन है यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, आपका कुछ इस तरीके से हार्ट ब्रेक किया है ना, जिस तरीके से आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा लग रहा है कि एकदम से रिप्लाई आना या कॉल रिसीव होना या कॉल काटना शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ बात हुई है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, या फिर ऐसा हुआ कि गैप बढ़ा, बात नहीं हुई और इन्होंने सडनली शादी कर ली और आपको इसकी न्यूज़ किसी और से मिली। भाई, आपके पैरों के तले से तो ज़मीन खिसक गई, किस तरीके से, देखिए दिल में खंजर घोपे गए हैं
और ये जो पेन है वो सिर्फ और सिर्फ वही जानता है जिस पर बीती हो। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन लग रही है क्योंकि एक तरीके से इनके आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी हुई है जो खोलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये खुद की ही नहीं सुन सकते, आपकी तो क्या ही सुनेंगे इस वक्त। ये ऐसे अंधे हुए पड़े हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन पीछे देखेंगे तो बहुत सारे इमोशंस है। ये पर्सन दिल से बुरे नहीं है, लेकिन इनको ना जिस तरीके से रास्ता दिखाया जा रहा है उनको अभी सिर्फ वही चीज़ दिख रही है। घोड़े की नाल नहीं होती ऐसे लगा लेते हैं, इर्द गिर्द का नहीं दिखता, बस सामने की तरफ जो दिखाया जा रहा है वही दिखता है। तो ऐसे ही कुछ इस पर्सन की सिचुएशन है, जो चीज़ जो गुट्टी पिलाई जा रही है, जो दिखाया जा रहा है, जो चीज़ उनको उसी पे भरोसा हो रहा है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये पर्सन ना होता नहीं है कोई कोई कि सब कुछ ठीक है लाइफ में, लेकिन फिर भी वही सारी चीज़ें लाने की, रिलेशनशिप कुछ नहीं होता, मुझे प्यार पे भरोसा नहीं है, अपने करियर पे ध्यान देना है, मनी पे फोकस करना है, तो वो सारी चीज़ ठीक है जब आपका रिलेशनशिप सच में टॉक्सिक हो। लेकिन यहाँ पे आपकी तरफ से मुझे कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं नज़र आ रही। इनफैक्ट आप तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और अगर देखा जाए ना, सेपरेशन से दोनों को फ़र्क पड़ता है, कम ज़्यादा पड़ता है, ये चीज़ अलग है, लेकिन मैं देख रही हूँ सबसे ज़्यादा दिल यहाँ पे आपका टूटा है आपको, क्योंकि इन्होंने छोड़ा है, वो भी बीच रास्ते छोड़ा है, विदाउट एनी नोटिस छोड़ा है, कोई चीज़ एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं देनी ज़रूरी समझी। तो यहाँ पे कार्ड्स ये बताना चाह रहे हैं कि आपने जो अपनी तरफ से किसी का कुछ गलत नहीं किया, तो उसका फल आपको ये मिलेगा कि आपको ना या तो ये पर्सन आके अपोलोजाइज करेंगे फॉर श्योर, क्योंकि आपके बिना ये बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये ना चाहते हैं, जैसे होता है कि आप साथ रह के तो कदर नहीं करते, वो प्यार आपको ऐसे खलने लगता है कि ये क्यों हैं, क्यों पूछ रहे हैं, क्यों कॉल कर रहे हैं, ये मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन जब दूर जाते हैं ना, जब अहमियत समझ आती है, जब वही कॉल्स, वही मैसेजेस और वही टेक्स्ट आने बंद हो जाते हैं, तब रियलाइज़ होता है कि हाँ यार गलती हो चुकी है। तो आपके पर्सन का अभी करेंटली यही हाल है, मन की बात उनकी देख लीजिए। जब बीमार होते हैं कोई पूछने वाला नहीं, जब थोड़ा सा भी परेशान होते हैं मेंटली तो कोई शेयर करने वाला नहीं, जो भी हैं वो बस इसीलिए हैं अपने मतलब के लिए, कुछ ना कुछ ऐसी गलत एडवाइस देते हैं जैसे ये पर्सन दे के चले गए आपके पार्टनर को, तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर को अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि यार गलती हो गई है मुझसे, अब पैसा है, सब कुछ है, समय है, लेकिन मेरा वही प्यार नहीं है जो मेरे पास होना चाहिए था। कभी ना कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिक फील करते हैं, या हो सकता है ये पर्सन किसी रॉन्ग इन्फ्लुएंस में आ गए हैं जिसकी वजह से इन्होंने पैसा तो खूब कमाया लेकिन ये खर्च भी उसी तेज़ी से हो रहा है। तो एटलीस्ट आप होते हैं तो कुछ गाइड तो करते, एटलीस्ट आप उनका सपोर्ट तो करते। ये चीज़ उनको याद करके बहुत ज़्यादा अपने ऊपर पछतावा हो रहा है। मैं देख रही हूँ हो सकता है कि ये ना कभी कभी आपकी ओर आना चाहते हैं, लेकिन ये किसी से रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो चलाक वाले पर्सन है, थर्ड पार्टी हो सकता है, उनसे ऐसे मजबूरी का बहाना बना के कि इतने पैसे दे दो, मुझे ज़रूरत है, मेरी नीड है, ये उनसे पैसे लेते रहे, अपने काम निकलवाते रहे, उनको अपने वश में करते रहे, बट आपके पर्सन को पता नहीं चला, लेकिन जब तक पता चला बहुत देर हो गई। अब जब ये बोलते हैं कि मेरा पैसा भाई वापस करो, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, या इनसे एडवाइस भी लेते होंगे कि क्या मैं अपने पर्सन की तरफ जाऊँ, क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए, तो ये पर्सन जो है मतलब ये बिल्कुल भी नहीं बदले, ये कह देते कि नहीं अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता जाने का, और मतलब वो पार्टनर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा भी हार्ट ब्रेक होगा और तुम्हारे लिए भी सही नहीं होगा। बेसिकली तुम्हारे करियर के लिए सही नहीं है, तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ के लिए सही नहीं है। लेकिन आपके पर्सन जो हैं, कितना भी मैनिपुलेट कर लो, ठीक है, जब कोई अपनी पावर्स भूल जाता है तो उसको याद भी जब दिलाया जाता है, एटलीस्ट एक स्पार्क काफ़ी होता है किसी चीज़ को रिवाइव करने के लिए। तो ये हैं आपकी पार्टनर की फीलिंग्स, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे आया है सिक्स ऑफ कप्स, दिल से प्यार मरा नहीं है, दिल से प्यार उतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर उन्होंने थोड़े दिन के लिए आपको अपनी लाइफ से अलग कर दिया तो वो प्यार वहाँ से साफ़ हो गया, ऐसा नहीं है। यू कांट लव एंड फॉरगेट इट ईजिली, ऐसे नहीं होता। इनकी तरफ से इनका प्यार जो है बहुत ज़्यादा जेन्युइन और सच्चा था, जिसकी वजह से ये लौट कर आने के लिए, कम बैक करने के लिए तैयार तो हैं, बहुत अच्छी तरीके से तैयार है। लेकिन ये जो है, ये देखिए फ्लावर्स दे रहे हैं, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग टू यू। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, आपकी कोई फ्रेंड हो जिससे आपका मन मुटाव हुआ था, लेकिन मुझे रिश्ता रोमांटिक ज़्यादा दिख रहा है, जिसी की वजह से मैं कंफर्म कर पा रही हूँ ये सेम पर्सन है जो आपको छोड़ के चले गए थे। लेकिन इस पर्सन के मन में ना थोड़ा सा शर्म वाली फीलिंग्स भी है कि यार तुम खुद ही गए थे, अब तुम ही खुद ही उनके पास वापस जाओगे। उनके मन में ये सारी चीज़ें भी आती हैं, इनकी ईगो इनको रोकती ज़रूर है, इनका जो मेल ईगो है या फिर
फीमेल जो फेमिनाइन ईगो है वो ये कहता है कि क्यों ना कुछ ऐसे सिचुएशन बना दी जाए अपनी बीमारी का बहाना, क्योंकि ये बीमार भी हैं। तो जब ये बीमार होते थे ये आप बिल्कुल उनको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, उनका ध्यान रखते थे, बात बात पर पूछते थे, हो सकता है उनसे मिलने आते, उनके साथ भी रहते हों कुछ टाइम के लिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, उनको लव केयर सब कुछ देते थे। तो ये पर्सन मुझे ऐसे भी बहाना बनाते हुए दिख रहे हैं कि क्यों ना मैं बीमारी का बहाना कर दूं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू पहुंचा दूं, ताकि एटलीस्ट आप जो है आपकी तरफ से कम्युनिकेशन शुरू हो, तो चीज़ें ऐसा ना लगे कि प्लान की गई थी, प्लॉट की गई थी, और मतलब ऐसा लगे कि सबसे पहले आपने अप्रोच किया, कल को बात आएगी तो ये एटलीस्ट बोलेंगे नहीं मैं तो नहीं गया था इनके पास, मैं तो नहीं गई थी, यही आए थे कहीं से खबर सुन के। तो आपके पर्सन मुझे ऐसा करते हुए नज़र आ रहे, हो सकता है पास्ट में भी इन्होंने एक दो बार ऐसा किया हो, हो सकता है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हो भी सकता है कि किया हो किसी के थ्रू, फ्रेंड के थ्रू, फिर आप गए हो और एकदम से आपसे मिलना चाहते हो, आपकी हो सकता है लड़ाई हो रखी हो और आप इन्होंने डायरेक्टली ना बता के ऐसा भी किया हो, तो वैसा ही करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक कार्ड नीचे लेके आए हैं, फाइनेंसिस एंड करियर। देखिए, फाइनेंशियल इशू आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, ठीक है, जैसे कि उनको बोला ही जा रहा है कि नहीं अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दो, हो सकता है ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, जो थर्ड पर्सन आपके पर्सन को बोल रहे हैं वही चीज़, वही कार्ड आ गया है, देख लीजिए एनर्जीज बिल्कुल मैच कर रही हैं, एंजल्स भी वही सेम चीज़ बोल रही हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट, ये यही तो चाहते हैं कि आप इन्हें फॉरगिव कर दें, इनको माफ़ कर दें। Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. और at the same time आप हो सकता है present पर ध्यान दे रहे हैं, खुद की life में ध्यान दे रहे हैं, अपनी ज़रूरतों पर अपने आप को improve करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके person को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो और ज़्यादा improve हो गए। ओके, reconciliation, someone from your past is returning to your life. अब आपको क्या चाहिए, अब तो पता चल ही गया, यहाँ पर कार्ड आया था ना कि वो आ रहे हैं पास्ट से, तो वही है यहाँ पर फिर से कन्फर्मेशन हो गई है कि someone from your life is कमिंग बैक टू योर लाइफ। तो आपके पर्सन हो सकते हैं, आप ये मान लीजिए कि कुछ टाइम में, एक सेकेंड मैं नंबर देखने की कोशिश करती हूँ, 2, 6, 8, 3, 5 विद इन 5 weeks, 5 घंटे किसी टाइप का कोई मैसेज कॉल आ सकता है, हो सकता है 5 months में कुछ ऐसा हो, कुछ बर्थडे हो, 5th month में उनका बर्थडे हो, समथिंग रिलेटेड टू 5 इज देयर, तो एक्सपेक्ट कीजिए 5 कैसे आपकी लाइफ में, हो सकता है 555 आपको दिखता हो, 0505 0550 ऐसे भी दिखता हो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और हाँ कमेंट सेक्शन में जा ही रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे दिया गया है जो होगी एक अमेजिंग सी कैंडल वैक्स रीडिंग, देखिएगा ज़रूर, अपना फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मेरे लिए आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो दीजिएगा अपनी फेवरेट टैरो रीडर को प्यार, वीडियो को लाइक करके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।